बात करेंगे हमारे चैप्टर 12 ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसे कि एडसॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, इवन की ब्रीथिंग है। सभी के लिए उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली, मतलब अगर वो डायरेक्टली प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं तो हर्बीवोरस, और इनडायरेक्टली लेते हैं अगर वो किसी चीज़ से तो इट्स अ कार्निवोरस। और इसलिए फूड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। जो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं ये प्रोसेस के दौरान, उसको रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स बोला जाता है। आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीडाइज होती है टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट्स और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स ये भी यूज होते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन कुछ प्लांट्स में अंडर सर्टेन कंडीशंस में। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, विद इन अ सेल ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होती है, भी एनर्जी है वो कंटेंड होती है इन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल और इन ए सिंगल स्टेप। इट इज़ रिलीज्ड इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन जो कंट्रोल्ड होती है बाय एंजाइम्स। इट इज़ ट्रैप्ड एज ए केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP एक्ट करती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की तरह। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वी कैन से कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस जिसमें क्या होता है स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है फूड सब्सटेंस का इनसाइड द लिविंग सेल। और ओवरऑल समरी ऑफ द प्रोसेस क्या है, C6H12O6+6O2 एंजाइम्स CO2+6H2O+6K Cl किलोजोल कैलोरी 280-70 किलोजोल। ओके ये सारा तो हमारा मेन मॉडल क्या है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है, ये एनर्जी हमें मिलती है फूड, जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है उससे मिलती है ना। और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, हम उन पर डिपेंड करते हैं ना डायरेक्टली और डायरेक्टली, है ना। हम हर्बिवोरस अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन पर डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फूड जो है वो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस से आता है। ब्रेकिंग होती है CCO कार्बन कार्बन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की अगर ब्रेकिंग होगी तो ऑक्सीडेशन के दौरान सेल्स के अंदर जब ऑक्सीडेशन होती है उस दौरान क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कंप्लेक्स कंपाउंड्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं। फिर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। रेस्पिरेशन के दौरान द कंपाउंड्स जो ऑक्सीडाइज होते हैं इस प्रोसेस के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान, उसको रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स बोलते हैं। आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट जो ऑक्सीडाइज होता है रिलीज होती है एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड ये भी क्या है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है कुछ प्लांट्स में, कुछ अंडर सर्टेन कंडीशंस के अंदर। ऑक्सीडेशन अगर सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें क्या होता है, एनर्जी जो कंटेन होती है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के, बट नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन सिंगल स्टेप। इट इज़ रिलीज, मतलब ये रिलीज होती है सीरीज ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शंस में जो कंट्रोल की जाती है एंजाइम्स के द्वारा, और ये ट्रैप्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP एनर्जी करेंसी की तरह बिहेव करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल बोला जाता है। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इनसाइड लिविंग सेल। द ओवरऑल सबने मैं आपको बता दिया CC12+O6 CO2 6H2O। ओके तो ये सारा था।